टू माई चैनल ब्यूटी बाय इट। सो मैं हूँ अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टमाटो से जो फेशियल है वो कैसे करते हैं, टमाटो फेशियल के बारे में, और बहुत ही ईजी स्टेप्स है गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर नहीं निकला जा रहा, तो अगर आपके फेस को, आपकी स्किन को फेशियल की ज़रूरत है, तो आप घर पर ही टमाटो फेशियल कर कर ही सेम पार्लर वाला लुक पा सकते हैं। और बहुत ईजी है इसको करना और बहुत इफेक्टिव है। तो इस टमाटर फेशियल से क्या क्या फ़ायदा होता है गाइज, आपकी जो टैनिंग है फेस पे वो दूर हो जाती है, आपके फेस पे यहाँ से ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं ना, झाइयाँ जिनको बोलते हैं, वो क्लियर हो जाती है। अगर आपके फेस पे एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके फेस पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। और अगर आपकी स्किन है रफ ड्राई, तो उससे भी आपको ये फेशियल करने से उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप प्लीज़ एक पेस्ट टेस्ट कर लेना, क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं दही, टमाटर और लेमन यानी कि नींबू। तो तीनों में ही विटामिन सी होता है। तो सेंसिटिव स्किन, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो उसमें थोड़ी सी शायद आपको इरिटेशन हो जाए। तो आप जब भी फेशियल ट्राई करें तो पहले आप पेस्ट टेस्ट कर लें। पेस्ट टेस्ट आप कहाँ करेंगे? अपने नेक वाले एरिया पर आपको पेस्ट टेस्ट करना है, और अगर आपको सूट होता है तो आप इसको अप्लाई करें, आप इसको यूज़ करें। और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेशियल है गाइस, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, एक फेयरनेस लुक भी देगा। तो गाइस चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टमाटो फेशियल करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, आधा कटा हुआ नींबू, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, और यहाँ पे चीनी ली है मैंने, ये देखिए शुगर, और यहाँ पे थोड़ी सी चीनी को मैंने पीस लिया है। उसके बाद हमें चाहिए हल्दी, बेसन और दही। तो हम इसमें 3 स्टेप करेंगे गाइस। सबसे पहले हम अपने फेस को करेंगे क्लीन, उसके बाद हम करेंगे स्क्रबिंग, और उसके बाद हम बनाएंगे फेस मास्क। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने इन टमाटरों को ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में। सो गाइस, मैंने टमाटर्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, इसको मैं एक बाउल में डालूंगी। सो गाइस, मैंने बाउल में टमाटर का जो मिक्सचर था वो डाल लिया है, और यहाँ पे मैंने आधा जो टमाटर था उसको बचा लिया है। अभी इसका यूज़ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो फेस है उसे क्लीन करेंगे। तो क्लींजर बनाने के लिए हमने जो मैंने कच्चा दूध लिया है बाउल में, इसमें मैं 2 चम्मच टमाटर के डाल दूंगी, जो हमने ग्राइंड किया है टमाटो, उसके 2 चम्मच में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इससे हम अपना फेस जो है क्लींजर बनाएंगे, क्लीन करेंगे, जो कि फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है। तो चलिए पहले हम अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं। क्लींजर हमारा रेडी हो चुका है। तो गाइस, 3 से 4 मिनट के लिए हम इससे मसाज करेंगे अपने फेस पे, और हमारा फेस जो है उसको क्लीन करेंगे अच्छे से। इसमें मैंने कच्चा दूध लिया है और टमाटर का पल्प मैंने ऐड किया था। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको अपने फेस पे लगा के हल्की हल्की मसाज करनी है, जिससे हमारा फेस पूरी तरह क्लीन हो जाए और फेशियल के लिए हमारा चेहरा, हमारी स्किन जो है रेडी हो जाए। क्लींजर हमने बना लिया था, अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप करने के लिए हमें चाहिए चीनी, मैंने यहाँ पे थोड़ी पीस ली है और थोड़ी बिना पीसी भी चीनी भी रखी है। तो जो चीनी मैंने पीस के रखी है उसमें फिर से मैं 2 चम्मच डालूंगी। स्क्रबिंग जो है मेन पार्ट होता है फेशियल का, तो इसमें मैंने 2-2.5 चम्मच डाल दिया है टमाटर जो मैंने ग्राइंड किया था उसको, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, बस काफ़ी है इतना, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो स्क्रब है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। अब हम इससे अपने फेस की जो है स्क्रबिंग कर लेते हैं। सो गाइस, स्क्रबिंग जो है बहुत अच्छा एक मेन और पार्ट माना जाता है फेशियल के टाइम पे। तो शुगर से क्या होता है, बहुत अच्छा एक एक्सफोलिएट होता है, शुगर एक्सफोलिएटर है, जो हमारी स्किन के डेड सेल्स को, डेड स्किन को निकाल देता है और हमारे फेस को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करा है ताकि टाइम आपका बचे देखने के लिए। इसको आपने कम से कम 10 मिनट की स्क्रबिंग करनी है। पहुंच गए हैं अपने फेशियल के लास्ट स्टेप में, जो कि है फेस मास्क। तो जो हमारा पल्प बच गया है टमाटर का, उसमें हमको क्या क्या मिलाना है, उसमें हमको मिलाना है 1 चम्मच दही, 1 से 1.5 चम्मच आप दही मिलाइए, और अच्छे से मिक्स कर लेना है टमाटर के पल्प में। उसके बाद हमने इसमें मिक्स करना है बेसन 1 चम्मच, 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है, और लास्ट में हमको इसमें मिक्स करना है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी, और इन तीनों पाउडर्स को हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हमने इसमें डालना है लेमन, ये देखिए
मैंने इसमें करीब एक चम्मच के बराबर लेमन डाल दिया है। और हम अब हम इन तीनों चारों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा फेस मास्क जो है वो तैयार हो जाएगा। सो गाइज, मैंने बेसन, हल्दी और दही और लेमन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए, और हमारा फेस मास्क जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको फेस पर लगा लेंगे और कम से कम 20 मिनट तक लगे रहने देंगे और उसके बाद इसको हमें वॉश कर लेना है। एंड गाइज, अगर आपको लगे कि आपका जो फेस मास्क है थोड़ा पतला बन रहा है टमाटर के रस की वजह से, तो आप इसमें एक चम्मच और बेसन मिला के इसको गाढ़ा बना सकते हैं। तो मेरा फेस जो है काफ़ी गाढ़ा बना है। अब मैं इसको फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और 20 मिनट लगे रहने के बाद मैं अपना फेस जो है वॉश कर लूँगी। सो गाइस, इस फेस मास्क की जो हमने लेयर लगानी है बहुत थिक लेयर लगानी है, और अपने नेक वाले एरिया को भी ना भूलें, उसको भी आप इससे कवर करें। बहुत अच्छा फेस मास्क है गाइस, इसको अगर आप फेशियल नहीं भी कर रहे हैं ना तो नॉर्मली वैसे भी बना के लगा सकते हैं। आपके फेस को ब्राइट करता है, लाइट करता है, और गले वाले एरिया में भी लगाएं, नेक वाले एरिया में भी लगाएं, आपकी स्किन जो है अनइवन सी नहीं लगेगी, इवन लगेगी। और 20 मिनट के बाद मेरा जो मास्क था वो सूख गया है, अब हल्के हाथों से मैंने हाथों को पहले गीला कर लिया है और हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए मैं इस फेस मास्क को रिमूव करूँगी और उसके बाद अपना जो है फेस जो है वॉश कर लूँगी 20 मिनट के बाद। 20 मिनट से पहले इसको ना निकालें। तो गाइज, मैंने 20 मिनट के बाद फेस जो है स्क्रब करते हुए निकाल लिया था मास्क को, और मैंने नॉर्मल पानी से धो लिया है। आपको दिख रहा होगा फेस कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आपने देखा ना कितना इजी था ये वाला फेशियल करना, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आपको फर्स्ट बारी में ही इसका रिजल्ट दिखाई देगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेमेडी के साथ या किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए।